तो कॉनकेव मिरर क्या जी आपका? ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इन कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का साइज था और जो इमेज का साइज था उसमें क्या रिलेशन था? सेम था। सेम था। प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर था और जो बच्चे इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर था दोनों सेम थे, ठीक है, और वो इन्वर्ट करता था लिटरली। क्या इमेज रियल होता था वर्चुअल होता था प्लेन मिरर में? भाई प्लेन मिरर के केस में इमेज रियल होता है वर्चुअल होता है? बेटा आप जो शीशे में अपनी शक्ल देखते हो क्या आप उसे किसी पर्दे पे बना सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो किसी पर्दे पे? नहीं कर सकते ना, नहीं पॉसिबल नहीं। सो दैट इज व्हाट दैट इज द बिल्कुल वो वर्चुअल इमेज। अब जरा यहां देखें कॉनकेव मिरर के केस में याद रखना आपके इमेज और आपके ऑब्जेक्ट के जो साइजेस हैं उनका रिलेशन उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, याद रखना। सेम भी होंगे, कभी इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, कभी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज छोटा होगा, नहीं समझ आया? या तो आपका पोजीशन पे याद रखना है, यहां पे जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है दैट इज बेस्ड टोटली इंटायरली ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में क्या रिलेशन होगा, इट इज टोटली इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे इसके छह केसेस हैं, इसके कितने केसेस हैं? छह केसेस। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज हैव सिक्स केसेस। पहला केस क्या है बच्चे आपका? ऑब्जेक्ट कहां पड़ा? इन्फिनिटी। कहां पड़ा? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। अब ये इन्फिनिट डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है ना? आप उसका 2 टाइम कर लो तो डायमीटर आ जाएगा उस स्फीयर का, उससे बाहर ऑब्जेक्ट रख दो। इतना डिस्टेंस आमतौर पर नॉर्मली माना जाता है, ये क्या है? इन्फिनिट डिस्टेंस है, मतलब फोकल लेंथ का 4 टाइम्स जो है। इससे बाहर बाहर जो डिस्टेंसेस हैं उसको क्या माना जाता है? इन्फिनिट है, ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस या वो ऑब्जेक्ट जो हमारे सिस्टम से बाहर होगा, हमारे स्फेयर से बाहर होगा, जिससे हमने स्फेयर को हमने स्फेरिकल मिरर को ऑब्टेन किया होगा, तो हम कहते हैं यार ये इन्फिनिट डिस्टेंस है। ये कितना डिस्टेंस है? इन्फिनिट डिस्टेंस है, ठीक है। हकीकत में वो इन्फिनिट नहीं होता, लामहदूद नहीं होता। फिजिक्स का जो एक याद रखना, रियलिटी में इन्फिनिट और जो कहते हैं ना कि एक्चुअल इन्फिनिट में और एक जो हम इन्फिनिट ले उसमें बड़ा फर्क है। हमारे फिजिकल सिस्टम में वो डिस्टेंस इन्फिनिट डिस्टेंस होता है जो कि हमारे सिस्टम से बाहर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। जब कोई सिस्टम से कोई चीज हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएगी ना वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगी, और जब कोई चीज हमारे सिस्टम में होगी तो फिर वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे नहीं है। अब यहां पे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे उस स्फीयर के डायमीटर से बाहर निकल गया, सो देयरफॉर दैट ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एट द इन्फिनिट डिस्टेंस। समझ आ नहीं है? मतलब ये कह दिया जाए कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे पड़ा होगा इन्फिनिट डिस्टेंस पे तो फिर इमेज कहां बनेगा? देखेंगे। फिर इमेज बनता है प्रिंसिपल फोकस पे। कहां बनता है? फिर इमेज बनता है कहां पे? प्रिंसिपल फोकस पे। और अगर और से सुनिएगा, और अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाकर रख दिया जाए कहां पे? तो फिर कहां बनेगा? तो याद रखना आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है तो आपका इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और मजे के बाद दोनों के साइजेस भी सेम होंगे, इमेज का साइज और दोनों का साइज बराबर होगा। अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठाया सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरम्यान रख दिया, तो फिर क्या होगा देखेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया तो फिर क्या होगा देखेंगे। आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा प्रिंसिपल फोकस से भी आगे रख दिया, पोल और फोकस के दरम्यान रख दिया, फिर क्या केसेस अराइज होता है? ये बातें हम करेंगे, नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने जो बात, अब यहां पे आपने ये नहीं कहना कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज का साइज है वो यूं बड़ा होगा, नहीं। प्लेन मिरर के केस में दोनों बराबर होते हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है, दोनों का साइज बराबर होता है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स या स्फेरिकल मिरर के केस में याद रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा आपके जो ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा आपके जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज के दरम्यान में रिलेशन है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा और वो कैसे निकालते हैं बच्चे? बाय यूजिंग द स्फेरिकल मिरर फार्मूला।
हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है आपके ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को यूज करके हम उस फार्मूले को प्रूव करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर इंतजार करें ताकि मैं आपके थ्योरम्स जो है उन्हें स्टार्ट करूं, तो मैं आपको वो प्रूफ भी करवा दूंगा। हल्का सा छोटा सा मजेदार किस्म का प्रूफ है, आपको आता भी होगा। तो आगे क्या जी, बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिससे जो इमेजेस हैं वो रियल भी बनते हैं। पांच केसेस रियल इमेज के होंगे, पांच केसेस रियल इमेज के होंगे याद रखना, और एक केस किसका होगा, वर्चुअल इमेज का होगा, ठीक है। उसके बाद जी इन कन्वेक्स मिरर, जो कन्वेक्स मिरर है याद रखिएगा, पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लो, स्फेरिकल मिरर हूज outer curved surface is reflecting is called convex mirror. Now in convex mirror the size of the नहीं convex mirror जो है वो convex mirror का जिसकी outer curved surface जो है वो reflecting है, तो definition कर दी। फिर उसके बाद in convex mirror the size of image is always smaller than the object. जो आपका image है उसका size हमेशा object से छोटा होगा, और मजे की बात image हमेशा क्या होगा, virtual होगा, real होगा ही नहीं। convex मिरर के केस में इमेज कभी भी रियल नहीं बनता, हमेशा वर्चुअल बनेगा। और मजे की बात बताऊं वो जो इमेज होगा वो आपके प्रिंसिपल फोकस और पोल के कहीं दरमियान में आगे पीछे यहां पे वर्चुअल होगा। तो ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, इससे वर्चुअल इमेज बनता है और हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इन्वर्ट नहीं होता। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होता है याद रखिएगा, जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किस तरह के मिरर्स होते हैं। फिर जिस स्फेरिकल मिरर, ये पोल किसका, ये आपकी बुक से ही मैंने कॉपी किया, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, आपकी बुक से एक नाम कॉपी किया, सो ये याद रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, सो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, याद रखना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बड़े बच्चे गलती करते हैं। पोल क्या, मिरर का सेंटर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है जिससे आपने स्फेरिकल मिरर को ऑब्टेन किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच यू हैव ऑब्टेन द स्फेरिकल मिरर। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है जी। द प्रिंसिपल फोकस क्या है जी, अब आपसे पेपर में एक सवाल पूछा जाएगा, आपने उसका जवाब यहां से तलाश करना, मैं सवाल अभी पूछूंगा आपसे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज ऑफ लाइट जो है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब उसे मीट नहीं करेंगे, जो इन, 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 इसकी स्लोप और प्रिंसिपल एक्सिस की स्लोप दोनों की स्लोप सेम होगी, वो भी एक लाइन है ना। अच्छा देखें, तो क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू ए पॉइंट एफ, वो एक पॉइंट एफ के ऊपर आके क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मीट करती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, फिगर में आपको दिखाया गया। हेंस कॉनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर, इनको कन्वर्जिंग मिरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं। सो कहता है सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रियल फोकस। बंदा पूछे आपसे तो आपने ये जवाब देना कि व्हाई दिस इज कॉल्ड द रियल फोकस, तो आपने कहा बिकॉज़ द रेज ऑफ लाइट रियली पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ इन द केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होती है कन्वेक्स मिरर की सरफेस से, तो हमें लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही है जो कि आपके कन्वेक्स मिरर के कहीं पीछे मौजूद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बियॉन्ड द मिरर, इन अदर वर्ड्स रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ये लगता है कि जो रेज ऑफ लाइट है वो जाके एफ से टकरा के वापस आ रही है, डाइवर्ज कर रही है एफ से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, वो हकीकी नहीं होता। क्यों, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द पॉइंट बट अपीयर टू डू सो, लेकिन लगता है कि वो ऐसा कर रही है। फोकल लेंथ आपको पता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर जी द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय that is f is equal to r by 2, अगर 2 f is equal to r तो आप 2 को वहां जाकर डिवाइड कर लेंगे बनेगा। दिस मींस दैट एट द रेडियस, अच्छा एक बात बताएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ा कर दें तो फोकल लेंथ बढ़ेगी छोटी होगी,
बढ़ेगी ना, टू से डिवाइड कर रहा है, न्यूमिरेटर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, न्यूमिरेटर बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ। दिस मीन दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस्ड, तो क्या होगा जो फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिड्यूस करें, अच्छा कम करें। दिस मीन दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस, सो टू इज द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर द मिरर। लो जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ना, मिरर क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस असल में मिरर होता है ना, तो जो आपका उसके पीछे कहीं मौजूद होता है। और उसके बाद क्या जी, द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ये आपसे पेपर में पूछेंगे तो आपने ये टेबल बना के देना। फिर क्या जी, कन्वेक्स मिरर क्या, द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के बिल्कुल सामने होता है, एंड द फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू द फोकस। ये जी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली द इमेज ऑफ द वाइन फॉर्म्ड इन साइड द पाउच वाटर। कैन यू टेल Which phenomena of physics is involved there? कौन सा phenomena वहाँ पे involved है? ये मैंने बताया, images क्यों बनते हैं? शीशे में आपको अपना चेहरा क्यों दिखाई देता है? जब ये हमने पढ़ा है, सारा 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 का सारी बात थी, हमने उससे शुरू की थी। किस वजह से बनते हैं images? Reflection की वजह से। That's the great thing। ये reflection की वजह से है। अब ये बच्चे आपको बता रहे हैं कि जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, वहां पे भी आप लोग मिरर यूज कर रहे हो, कौन के मिरर? Parabolic mirror used in the headlights of the cars or the vehicles. Reflection of light by spherical mirror. A spherical mirror जो है उनसे रोशनी किस तरह reflect होती है, ये हम देखते हैं। तो like plane surfaces, जैसे plane surfaces के ऊपर आकर rays of light पड़ती है, reflect हो जाती है, बिल्कुल हूबहू। Also याद रखना, like plane surfaces, spherical surfaces also reflect light following the two laws of the reflection as stated for the plane surfaces. बिल्कुल वही laws यहाँ मैंने। Figure number 12.6 shows how light is reflected by the spherical surfaces of concave and convex mirror according to the two laws of reflection. अब जरा चेक करें, यहाँ पर rays of light आके टकराई हैं, ये एक प्लेन में, और ये पोल के ऊपर टकरा रही है। किस पर टकरा रही है? पोल पे। किस पर टकरा रही है? पोल पे। समझ आ नहीं यार, जब पोल पे टकराएगी तो क्या होगा, जिस एंगल से आके टकराई है उसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये चार रूल्स बताऊंगा कि जिसके मुताबिक रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अभी यहाँ भी ये आप देखें ना कि ये पीछे वाले हिस्से पे इमेज बनाया बंदे ने, ये देख रहे हैं आप, ये स्पॉन के जो आउटर कर्व सरफेस है ना उसके ऊपर उसने इमेज बनाया, और ये इनर कर्व सरफेस पे इसमें इमेज। तो क्योंकि यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा वो रियल बनेगा ना, कॉनकेव के केस में, और यहाँ पर कुछ टू मेक एक्टिविटी है जी, आपने खुद करनी है। टेक ए कन्वेक्स मिरर और वेल पॉलिश्ड स्पून। आप एक कन्वेक्स मिरर ले लें या एक सही पॉलिश जो नया स्पून आप निकालते हैं डब्बे से, तो आर वेल पॉलिश स्पून यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून विद कन्वेक्स सरफेस जो कि बल्जिंग आउटवर्ड है, उसको आपने आते कन्वेक्स मिरर यूज करना है, एंड होल्ड इट इन वन हैंड, आप उसे एक हाथ में पकड़ लें। होल्ड ए पेंसिल विद इट टिप इन द अपराइट पोजिशन। आप क्या करें, आपने जो आपका स्पून है उसकी आउटवर्ड जो या ये कह दीजिए आउटर सर्फेस है जो, उसको आपने सामने रखा, यहाँ आपने पेंसिल की टिप रखी और पेंसिल को सीधा रखना है। अब आपने इमेज को देखना है कि इमेज के साथ क्या होगा, यहाँ देखें, एंड होल्ड इट इन वन हैंड, होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड, ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज इन द मिरर। आप उसके इमेज पे देखने की कोशिश करें, पेंसिल को आगे पीछे करें, इज द इमेज इरेक्ट, बिल्कुल इरेक्ट होगा, आर इनवर्टेड। अब आपको पता, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें सारे के सारे, कन्वेक्स मिरर के केस में सारे के सारे इमेजेस क्या होते हैं, वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। सो आपको यहाँ आपको ज्यादा रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, पेंसिल को अवे फ्रॉम द मिरर मूव कीजिए। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, क्या इमेज छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, चेक कीजिएगा। तो इमेज कभी ऑब्जर्व किया, छोटा होता है बड़ा होता है, शीशे के साथ कभी खेले उसके साथ स्पॉन के साथ छोटा हो जाता है, क्यों हो जाता है ये भी देखेंगे। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, गेस कीजिए whether the image will move closer to or farther from the focus. क्या इमेज जो है, इमेज जो है वो फोकस के करीब होता जाएगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर करते जाओगे जो आपका इमेज है वो फोकस के करीब होता जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल फोकस के करीब होता जाएगा, ठीक है। जब दूर होगा तो छोटा भी होता जाएगा, फोकस के करीब भी होता जाएगा। सो देखते हैं जी, अगर यहां देखें तो ये आपको बताया जा रहा है, फॉर ए कन्वेक्स मिरर फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई बिहाइंड द
मिरर, क्या आपका फोकस भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे लाया करते हैं फॉर द कन्वेक्स मिरर, क्यों आउटर बल्ब और सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है ना। उसके बाद जी इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, डू यू नो व्हाई कन्वेक्स मिरर्स को यूज किया जाता है किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ऐसा क्यों है ये सवाल आपसे है मेरा। कन्वेक्स मिरर्स को फॉर सिक्योरिटी पर्पस यूज, फिर सुने इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स, कभी देखें मिरर लगा होता है या कभी आप देखना आप कश्मीर जाए मरी जाए तो जो बहुत ही शार्प मोड़ होते हैं उनके ऊपर ये मिरर लगा होता है, बंदा उसमें देखता है तो दूसरी साइड से गाड़ी नजर आ। देखो अगर एक मोड़ बहुत शार्प है आप यूं आके आपने यूं मुड़ना, अब आप अगर तेजी से मुड़ेंगे तो हो सकता है गाड़ी हो, तो जो शार्प टर्न्स होते हैं ना इन द हिली एरियाज वहां पे ये मिरर उन्होंने लगाया होता है, ये वाला जो कन्वेक्स मिरर है। अब ये क्यों लगा होता है कन्वेक्स मिरर वहां पे, मुझे ये बताना, दूर की चीजें नहीं बुद्ध, इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होता है, नहीं समझा, बस जो होता है ना उधर से भी रेज आ रही है उधर से भी रेज आ रही है, समझ आ नहीं आ, उधर से आने वालों को इधर के बंदे दिखाएगा, इधर से आने वालों को उधर के बंदे दिखाएगा, शॉपिंग सेंटर में आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है, समझ आ नहीं आ, तो इस जब ये क्योंकि बल्ज आउट है तो आपको उधर से भी बंदे दिखाएगा, इधर से भी बंदे दिखाएगा, सामने से भी बंदे दिखाएगा, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज कवरेज एरिया इट इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, नहीं समझ आ। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज वन हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको पता है। However, we take the focal length of, अच्छा बच्चे एक बात याद रखना, जितनी भी आप calculations करेंगे ना उनके अंदर मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर आपकी focal length negative है समझ लें आपका principal focus virtual है, या आपका principal focus virtual है ना तो आपने focal length negative लेनी है, मतलब convex mirror के लिए आपने focal length क्या लेनी है, negative। और याद रखना अगर इमेज का फासला पोल से, किसका फासला, इमेज का फासला पोल से नेगेटिव आ गया, समझ लेना इमेज क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स उनका डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, फोकल फोकल मैं बताया ना, जो जो चीजें वर्चुअल होंगी, जो जो क्वांटिटीज वर्चुअल होंगी आपने उनके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है कि ये वर्चुअल है ये रियल नहीं है, प्रॉब्लम ये लिखेंगे तो कहा हो अगर वी टेक द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एज नेगेटिव, इट इज बिकॉज द रेज आर अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर फॉर ए कन्वेक्स मिरर एफ इज इक्वल टू माइनस आर बाय टू। इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला, इमेज को लोकेट करना जी आपने स्फेरिकल मिरर फार्मूला से, आपके कोर्स में इसका प्रूफ नहीं है तो देयरफॉर हम अब इसको फार्मूले को देखेंगे, तो जो प्रिंसिपल जो आपकी फोकल लेंथ है ना उसका जो रेसिप्रोकल है, क्या फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है, या अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं यहां पे, क्या आपने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा और उसे कहां रख दिया, यहां रख दिया, ठीक है, उसका कहीं पे कोई इमेज भी बनेगा इनवर्टेड, अगर ये मैं कह रहा हूं उसका प्रिंसिपल फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो इमेज बनेगा वो कहीं यहां पे बनेगा इनवर्टेड, लेकिन इससे छोटा होगा। अब याद रखिए कि जो इमेज का फासला होगा ना पोल से उसको आपने क्यू से शो करना, और जो ऑब्जेक्ट का फासला होगा फ्रॉम द पोल दैट विल बी स्मॉल पी, वो क्या होगा, वो क्या होगा, उसे आपने स्मॉल पी से, तो याद रखिएगा जो मिरर की फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेसिप्रोकल एंड जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है इन दोनों का रेसिप्रोकल। सुन ले स्फेरिकल मिरर फार्मूला स्टेट्स दैट the reciprocal of the focal length, reciprocal of the focal length of the mirror is equal to the sum of the reciprocals of the distances of object and image from the mirror. ये formula. याद रखो focal length का reciprocal object के distance और image के distance के reciprocals के sum के बराबर है, ये formula कहते हैं, ठीक है, समझे, अब इसको पढ़ लो। How can you tell about the nature of image? अगर मिरर फ्लैट होता, मिरर क्या होता, फ्लैट होता तो हम बड़ा आसानी के साथ बता सकते थे, हम बड़ा आसानी के साथ बता सकते थे इमेज की नेचर क्या है, इमेज क्या जी, इरेक्ट है जी, अच्छा ठीक है, वर्चुअल है जी, ठीक है, साइज क्या जी, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है जी, डिस्टेंस कितना जी, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है जी, ठीक है मान लिया। लेकिन बच्चे इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हम कैसे बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना,
ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में क्या रिलेशन है, मेरी बात समझ आ रही है? इमेज रियल है वर्चुअल है, ये बातें हो रही हैं। हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, हम इमेज की नेचर के बारे में कैसे बता सकते हैं? वेदर इमेज इज रियल आर इमेजिनरी, इमेज रियल आर इमेजिनरी है, इरेक्ट है, इम्यूटेड है, फॉर्म्ड इन ए मिरर, जो एक मिरर में बनता है, हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइजेस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, कैसे करेंगे? समझ आ नहीं आ, या नेचर हम कैसे बताएंगे? टू आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवाल के जवाब देने, चार बातें हैं ना, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फिर नेचर, नेचर में क्या है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, चार बातें आपने बतानी है इमेज की नेचर के बारे में। सो टू आंसर दीज क्वेश्चंस वन मेथड इज ग्राफिकल, एक मेथड क्या है, ग्राफिकल है, ग्राफ की मदद से, और रे डायग्राम या रे डायग्राम की मदद से, ठीक है, या ये कह दिया जाए बट वी कैन ऑल्सो आंसर दीज क्वेश्चंस बाई यूजिंग ए मैथमेटिकल फार्मूला कॉल द मिरर फार्मूला डिफाइंड एज, ये इसकी डेफिनेशन है, गौर से सुनिएगा। The relationship between object distance, image distance from the mirror and the focal length. The relationship between the object distance, image distance and the focal length of the mirror is called the spherical mirror formula. मेरी बात समझ आ रही है? The relation, the relationship between, जो मैंने अभी आपको बताया कि spherical mirror formula states that the reciprocal of the focal length of the mirror is equal to the sum, is equal to the sum of the reciprocals of the object distance and the image distance from the pole. याद रखिएगा सारे distances आपने pole से मापे। So पहले definition हो गई जी। The relationship between the object distance, image distance from the mirror and the focal length of the mirror is called the mirror formula. Mirror formula is relationship between object distance p, image distance q from the mirror and the focal, ये आपके बुक की थी, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने पहले लिख दिया। एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज यूज, उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक्स, क्या करने के लिए, खसूसियात का, चार खसूसियात हमने पता करनी है ना, खसूसियात का पता करने के लिए एंड लोकेशन और मुकाम का पता करने के लिए ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर फार्मूला। सब सही है क्या जी? Thus we can write the mirror formula, that is 1 by f equal to 1 by p plus 1 by q, ठीक है, 1 by f equal to 1 by p plus 1 by q. So equation is true for both concave and convex mirror, जो आपकी equation है, that is true for both. लेकिन याद रखिएगा आपने sign conventions को mind में रखना है, equation true है लेकिन अगर एक quantity virtual है तो फिर आपने उसके negative का sign लगाना है बस। The equation is true for both concave and convex mirrors. However, following sign conventions should be followed to apply this equation for solving problems related to mirrors. पहला क्या जी? Quantity, object distance p, image distance q, focal length है। अदरा कौन से सुनना? ये आपकी quantity है ना? ये। अच्छा, when sign is positive, object real. फिर इमेज भी रियल हो, अगर इमेज रियल हो तो साइन पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में है ना, फोकल पॉजिटिव क्योंकि वो रियल है। अब देखिए यहां देखें, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, क्या ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है? हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? दिमाग खराब हो गया, ये पेन ऑब्जेक्ट है ना, तो ये तो रियल है जी, तो ये वर्चुअल कैसे होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा? मुझे ये समझ नहीं आती आप लोगों को, ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल होगा? इस सवाल का जवाब दें आप, है ना, पहाड़ के नीचे। इमेज बना, गौर से सुनिए, आपने एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया मिरर में, ठीक है, सुन रहे नहीं सुन रहे, और वो जो इमेज है आप किसी दूसरे मिरर में देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देख सकते हैं ना, तो इस मिरर के अंदर मौजूद जो इमेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा फॉर द मिरर, नहीं कर रहा, कर रहा नहीं कर रहा, तो ये जो इस मिरर के अंदर मौजूद
इमेज है वो तो ऑब्जेक्ट हुआ उस मिरर का, उससे फिर एक और इमेज जनरेट होगा, होगा नहीं होगा। तो अब जो याद रखना व्हेन एन इमेज, याद रखना व्हेन एन इमेज इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट देन इट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट नॉट द रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों, क्या क्योंकि वहां पे हो ही नहीं। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है या कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? yeah.